हेलो दोस्तों, हम समझ रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ के लिए स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर सीरीज। और आज हम सीखेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस को। इससे पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा था कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, किस किस तरीके के हमारे पास पॉइंट होते हैं। आज हम सीखेंगे इसके सभी क्वेश्चंस को एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से, वेरीफाई द ओरिजिन इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी गई है, टू एक्स स्क्वायर, फिर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, नेगेटिव एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू जीरो। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए लिखेंगे पी एक्स एंड क्या एक्स फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताइए कुछ इस तरीके से होती है, प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस क्या ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो इसके इनटू में टू एक्स स्क्वायर है, तो इसी से इस कंप्लीट को डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन में टू एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर यहाँ पर नेगेटिव एक्स प्लस वन अपॉन में टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ से कंपेरिजन कर देते हैं इसको विद द जनरल फॉर्म, तो यहाँ से पी एक्स की जो फंक्शन है ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या वैस जो फंक्शन इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आ चुका है वन बाई टू एक्स, फिर यहाँ पर इसको नहीं लिखते हम क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ही हम लेना होता है, ठीक है। क्या वो एक्स फंक्शन हमारे पास आ चुका है नेगेटिव एक्स प्लस वन अपॉन में टू एक्स के। अब यहाँ पर इनको चेक करते हैं ओरिजिन पर क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। तो सिंपली ओरिजिन आपका होता है, मान लो कि हम सिंपली क्या पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो सिंपली हमने जब वैल्यू यहाँ पर पुट की तो यहाँ पर देखो वन अपॉन में यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये नॉट डिफाइन, मतलब कि इन्फाइनिट आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर जीरो पुट करेंगे अपॉन में तो फिर से अगेन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर बस नॉट डिफाइन वैल्यू आ जाएगी। तो हम कह देंगे एक्स इक्वल टू जीरो इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ बोथ फंक्शंस पी एक्स एंड क्या एक्स आर नॉट डिफाइन, ठीक है। अब सिंपली हम ये चेक करेंगे ये सिंगुलर पॉइंट तो है, अब ये कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंपली रेगुलर की कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है हमारे पास डिफाइन वैल्यू हो जाती है तो हम कहेंगे इसकी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, अगर फिर भी हमारे पास ऐसी नॉट डिफाइन वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंपली कंडीशन मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से कंडीशन आपको बताई है, पी एक्स इंटू में हम क्या कर देते हैं एक्स नेगेटिव ए और क्या वो एक्स इसके इंटू में क्या कर देते हैं एक्स नेगेटिव ए का स्क्वेयर कुछ इस तरीके से, सॉरी इसका होल स्क्वेयर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा पी एक्स फंक्शन हमारे पास क्या है वन अपॉन में टू एक्स, अब एक्स नेगेटिव ए, ए हमारे पास क्या मतलब कि ओरिजिन जो ये वैल्यू होती है जीरो है, सिंपली नेगेटिव जीरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या एक्स है नेगेटिव एक्स प्लस वन वन में टू एक्स स्क्वेयर कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ए जीरो है तो केवल एक्स का स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वेयर। अब देखिए इस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एक्स स्क्वेयर से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली अब यहाँ पर अपॉन में एक्स नहीं है तो मतलब जीरो पुट करेंगे यहाँ पर ओरिजिन पर इसको चेकआउट करेंगे तो ये हमारे पास एक डिफाइंड वैल्यू देगा, यहाँ पर ये देगा वन बाई टू और यहाँ पर ये हो जाएगा अगर जीरो ऊपर पुट करेंगे तो वन नेगेटिव वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है कुछ इस तरीके से। तो हम कहेंगे हेंस जीरो इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फॉर दी फंक्शंस पी एक्स एंड क्यू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, डिटरमाइन वेदर एक्स इक्वल टू जीरो इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट और ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये चेकआउट करना है एक्स इक्वल टू जीरो ये इसके लिए ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ऑर्डिनरी आपको बताया कि कोई हमारे पास ये डिफाइन वैल्यू देगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से, टू एक्स स्क्वायर सेवन एक्स इंटू में एक्स प्लस वन नेगेटिव थ्री वाई इक्वल टू जीरो। इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए लिखेंगे तो इसी के साथ इसको डिवाइड कर देंगे कंप्लीट को तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, प्लस सेवन ये एक्स है तो एक एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, नेगेटिव थ्री अपॉन में टू एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इक्वल टू जीरो। अब जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करते हुए लिखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, पी एक्स
इक्वल टू 7x + 1/2x एंड क्या वो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ से -3/2x के। अब यहाँ पर हम देखते हैं एट x इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास किस तरीके की वैल्यू देगा। देखो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो अपन में 0 हो जाएगा, तो मतलब कि नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, इन्फिनिट हमें वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास अगेन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिंपली हमारे पास यहाँ पर एक तो बात क्लियर हो चुकी है कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट तो है नहीं x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे x इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट। अभी हम ये चेक करते हैं कि क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंपली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं बिल्कुल सेम वे में, तो पी एक्स इंटू में एक्स नेगेटिव ए और फिर क्या वो एक्स इंटू में एक्स नेगेटिव ए इसका होल स्क्वायर। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। देखो पी एक्स फंक्शन है हमारे पास 7x + 1/2x इंटू में एक्स नेगेटिव ए, हमारे पास यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर केवल x रहेगा। फिर यहाँ पर क्या है, क्या वो एक्स है -3/2x2। फिर यहाँ पर ए 0 है तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसका होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा केवल। इसके साथ ही कैंसिल आउट, इसके साथ ही कैंसिल आउट। ऊपर हमारे पास जब 0 पर इनको चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा बट 7/2 हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3/2। तो ये हमारे पास एक डिफाइंड वैल्यू है, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास जो ये पॉइंट है यहाँ पर इन फंक्शंस के लिए, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर ऊपर गलत लिख दिया, ये फंक्शन मैंने यहाँ पर पी एक्स एंड क्या वो एक्स लिखे, बट यहाँ पर ये फंक्शन नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर एज ए फंक्शन एक्ट कर रहे हैं। तो इनको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर एज ए फंक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं बोथ फंक्शन पी एक्स एक्स नेगेटिव 0 क्योंकि ए 0 है एंड क्या वो एक्स ऑफ एक्स नेगेटिव 0 का होल स्क्वायर आर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और इसके साथ ही देखो डिफाइन वैल्यू हो जाती है तो वो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन भी होता है, तो आप साथ के साथ ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दो पॉइंट दिए गए हैं x इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1, ये हमें बताना है आर द सिंगुलर पॉइंट ऑफ, इसके लिए सिंगुलर पॉइंट है ये। अब ये हमें नहीं पता सिंगुलर पॉइंट की जो हमारे पास कंडीशन होती है किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंपली सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्केयर एक्स प्लस वन इसका होल स्केयर, फिर डबल डेरिवेटिव है यहाँ पर एक्स स्केयर -1 dy/dx +2y = 0। अब देखिए सिंपली इससे इस कंप्लीट को डिवाइड करेंगे, जनरल फॉर्म में ये आ जाए ताकि हमारे पास डिवाइड करते हुए इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से +x^(1) (x^(x+1)(dy/dx) + 2/x + 1)(x^(x+1)(x^), यहाँ पर y = 0 कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर कैंसिल आउट भी हो जाती है टर्म, जैसे कि देखिए x^(-2) इसका स्केयर यदि हम कर दें यहाँ पर तो a^(-2) मतलब कि इसका स्केयर की यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a^(-b) इंटू में a+b। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा जब मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर ऊपर आइडेंटिटी के अंतर्गत इसका और स्केयर, तो इसके साथ इसकी एक जो पावर है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिंपली जब हम इसको जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या वो एक्स और पी एक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएंगी, पी एक्स इक्वल टू फंक्शन हो जाएगा x^(-1)(x^(x+1) और क्या वो एक्स फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर 2/x^(x+1) इसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं एट एक्स इक्वल टू 0 और फिर सेकंड है एट एक्स इक्वल टू दिया गया -1, तो इनमें हमें चेक करना कि सिंगुलर पॉइंट नहीं दोनों के लिए। तो सिंगुलर पॉइंट कब होंगे आपको पता ही है कि ये जब हमारे पास नोट डिफाइन आ जाए वैल्यू, यहाँ पर देखो एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो 0 से साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, अपॉन में 0 मतलब कि नोट डिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू देगा यहाँ पर भी इनफाइनाइट वैल्यू देगा ये जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 के लिए, तो ये हमारे पास नोट डिफाइन हो जाते हैं, ये हमारे पास कंडीशन सही है। ये हमारे पास 0 यहाँ पर क्या है एज ए सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। फिर -1 के लिए चेक करते हैं हम, तो -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो -1 का स्केयर मतलब कि 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखो अंदर -1 + 1 तो ये यहाँ पर 0 बना देगा आपकी बार, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके कंप्लीट 0, फिर यहाँ पर -1 + 1 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी एक सिंगुलर पॉइंट ही है, ठीक है। तो अब हम सिंपली चेक करते हैं कि ये कौन सी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं सिंगुलर पॉइंट की। देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है जिनको मैं करेक्ट कर देता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये
पी एक्स इंटू में एक्स, पहले जीरो के लिए चेक करें तो एक्स नेक टू जीरो इक्वल टू पी एक्स और यहाँ पर इंटू में एक्स, फिर क्या हुआ एक्स इंटू में एक्स नेक टू जीरो इसका होल स्केयर, तो क्या हुआ एक्स इंटू में एक्स स्केयर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पी एक्स। पी एक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से है एक्स नेगेटिव वन अपॉन में एक्स स्केयर एक्स प्लस वन इंटू में एक्स, इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स नेगेटिव वन अपॉन में एक्स प्लस वन, फिर इंटू में एक्स रहता है ये, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, क्या एक्स की फॉर्म कुछ इस तरीके से है टू अपॉन में एक्स स्केयर एक्स प्लस वन इसका होल स्केयर इंटू में एक्स स्केयर, इसके साथ कैंसिल आउट, तो टू अपॉन में एक्स प्लस वन इसका होल स्केयर। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो जब हम यहाँ पर जीरो पुट करते हैं अपॉन में इंटू में ये फॉर्म जीरो हो जाएगी, तो अपॉन में जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगी इनफाइनाइट, मतलब कि नॉट डिफाइंड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू अपॉन में वन। अब जैसा कि हम एग्जांपल में समझ चुके हैं, हमें ये भी पता है कि जब हमारे पास एक कोई भी फॉर्म अनडिफाइंड हो जाती है जो कि हमारे पास इन्फाइनाइट आ जाती है वैल्यू, तो हमारे पास कंप्लीट जो ये पॉइंट है एज ए एक्ट कहेगा एक्स इक्वल टू जीरो, एक्ट मतलब कि लिख देता हूँ एक्ट एज ए इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन जो है एट एक्स इक्वल टू नेगेटिव वन यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पी एक्स इंटू में एक्स नेगेटिव जीरो, जीरो की वजह यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव वन है ना, तो हो जाएगा पॉजिटिव वन, क्योंकि एक नेगेटिव हमारे पास फॉर्मूले में होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ए हमारे पास नेगेटिव वन पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर क्या हुआ एक्स इंटू में एक्स पॉजिटिव वन इसका होल स्केयर, तो पी एक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्स नेगेटिव वन एक्स स्केयर एक्स प्लस वन, और ये हमारे पास हो जाएगा टू अपॉन में एक्स स्केयर एक्स प्लस वन इसका होल स्केयर यहाँ पर, और इंटू में एक्स प्लस वन इसका होल स्केयर, और यहाँ पर इंटू में एक्स प्लस वन, देखिए इसके साथ ही कैंसिल आउट और इसके साथ ये कंप्लीट कैंसिल आउट, अपॉन में एक्स स्केयर यहाँ पर भी एक्स स्केयर है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू नेगेटिव वन, तो यहाँ पर नेगेटिव वन पुट होगा तो पॉजिटिव वन, यहाँ पर भी पॉजिटिव वन, तो डिनोमीटर में हमारे पास एक फाइनाइट फॉर्म है तो सिंपली ये हमें डिफाइन फॉर्म देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये कंडीशन है यहाँ पर हो जाती है इन फंक्शंस के लिए पी एक्स और एक्स प्लस वन एंड क्या हुआ एक्स एक्स प्लस वन होल स्केयर, ये जो फंक्शन है इनके लिए जो ये पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू नेगेटिव वन एक्ट करता है एज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। नेक्स्ट हम कर देते हैं यहाँ पर फोर्थ का जो लास्ट वन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है, फाइंड द ऑर्डरली पॉइंट रेगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनके लिए हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर प्राप्त करने हैं और बताना है कि इसके लिए ऑर्डरली पॉइंट होगा, फिर इसके लिए रेगुलर पॉइंट होगा, या फिर इसके लिए हमारे पास कोई इरेगुलर पॉइंट नहीं होगा सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं, हमने एग्जाम्पल समझे थे बिल्कुल उसी तरीके से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, एक्स नेगेटिव वन इसकी पावर फोर है यहाँ पर वाई इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए लिखेंगे, तो देखो ये इसके अपॉन में मतलब डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारे पास हो जाएगी, यहाँ से एक्स अपॉन में एक्स नेगेटिव वन इसकी पावर फोर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स नेगेटिव वन इसकी पावर फोर वाई इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास पी एक्स एंड क्या हुआ फंक्शन की कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी, पी एक्स यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन में एक्स नेगेटिव वन इसकी पावर फोर, और क्या हुआ एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन में एक्स नेगेटिव वन इसकी पावर फोर। अब देखिए हम चेक करेंगे इनके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, पॉइंट हमें किस तरीके से मिलेंगे ये देखिए, इसी से हमें पॉइंट मिल जाते हैं कि हमारे पास कौन से पॉइंट को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखिए एक्स नेगेटिव वन इसकी पावर फोर को आप बोल दीजिए, इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे सिंपली, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा वन के इक्वल। अब देखो जब हम यहाँ पर वन पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वन पुट करेंगे जीरो हो जाएगा। अब वन से कोई छोटी वैल्यू पुट करेंगे या फिर उससे कोई बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे पी एक्स एंड क्या हुआ एक्स फंक्शंस आर बोथ डिफाइन एवरीवेयर एक्सपेक्ट एट एक्स इक्वल टू वन, मतलब कि कहने का मतलब ये है यहाँ पर वन के अलावा हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो उन पर ये दोनों फंक्शन डिफाइन होंगे, ये यहाँ पर एक्ट करेंगे एज ए एनालिटिक फंक्शन, बट जब हम वन पुट करेंगे तो ये हमारे पास नॉट डिफाइन होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह देंगे इसके साथ ही एक्स इक्वल टू वन इज एन सिंगुलर पॉइंट, इसके अलावा जो भी पॉइंट होंगे इसके लिए वो हमारे पास क्या होंगे एज ए ऑर्डरली पॉइंट होंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि जो भी अदर पॉइंट होंगे हमारे पास अदर
पॉइंट एक्सपेक्ट वन इज ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन, आप लिख सकते हैं दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये सिंगुलर पॉइंट है तो हम चेक करेंगे क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है आपको पता ही है, पी एक्स इंटू में एक्स नेगेटिव ए क्यू एक्स इंटू में एक्स नेगेटिव ए इसका होल स्क्वायर। तो सिंपली पी एक्स हमारे पास है एक्स अपॉन में एक्स नेगेटिव वन इसकी पावर फोर, फिर एक्स नेगेटिव ए, ए हमारे पास यहाँ पर कौन है वन है ए, तो ये हो जाएगा एक्स नेगेटिव वन, इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर पुट करेंगे अब वन, तो फिर से ये हमारे पास क्या करेगा यहाँ पर जीरो बना देगा इसको, नो डिफाइन हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इन्फाइनेट के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इन फंक्शंस के लिए भी हमारे पास जो x इक्वल टू वन है ये डिफाइन वैल्यू नहीं दे पाया, तो हम इसको कह देंगे कि यहाँ पर ये एज ए इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो क्या हुआ, x हमारे पास है वन अपॉन में एक्स नेगेटिव वन इसकी पावर फोर इंटू में ये कर देंगे एक्स नेगेटिव वन इसकी स्केयर यहाँ पर होल स्केयर, तो इसके साथ टू पावर का कैंसिल आउट कर देगा यहाँ पर स्केयर हो जाएगा। अब बट अब भी हम यहाँ पर वन पुट करेंगे तो हमारे पास नॉट डिफाइन ही वैल्यू आएगी क्योंकि अपन में जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट इन दोनों फंक्शंस के लिए जो आप यहाँ पर देख पा रहे एज ए इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट एक्ट करता है। इस केस में हमारे पास हमने ये पता चल गया कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी इसके लिए इन फंक्शंस के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। हमने ये समझ लिया यहाँ से कि इनके लिए हमारे पास वन के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी एज ए एक्ट करेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट, वन यहाँ पर एक्ट करेगा एज ए सिंगुलर पॉइंट, और फिर हमारे पास हमने ये समझा कि इनके लिए हमारे पास कोई रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा नहीं क्योंकि वन यहाँ पर एज एक्ट करता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिंपली यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पर देखिए इससे डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट इक्वेशन को, तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एक्स नेगेटिव वन इसकी यहाँ पर स्केयर है तो अपॉन में क्या हो जाएगा सिंपली एक्स नेगेटिव वन, और फिर इसकी इंटू में यहाँ पर एक्स स्केयर भी है, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस सेवन अपॉन में एक्स स्केयर इंटू में एक्स नेगेटिव वन इसका होल स्केयर यहाँ पर वाई इक्वल टू जीरो। अब सिंपली हम इसको कंपेयर करेंगे विद द जनरल फॉर्म, तो पी एक्स फंक्शन ही हो जाएगा क्या एक्स फंक्शन ही हो जाएगा, तो पी एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन में एक्स स्केयर एक्स नेगेटिव वन एंड क्यू एक्स इक्वल टू सेवन अपॉन में एक्स नेगेटिव वन इसका होल स्केयर एक्स स्केयर। तो सिंपली यहाँ पर हम चेक करते हैं कुछ पॉइंट लेंगे, तो देखो एक्स नेगेटिव वन इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं हम तो ये पॉजिटिव वन आ जाएगा, तो इसके लिए हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वन पुट करेंगे इस तरीके से लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू वन, तो ये हमारे पास जो पी एक्स है एंड जो क्यू एक्स है ये दोनों ही हमारे पास नोट डिफाइन हो जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर वन पुट किया तो वन नेगेटिव वन जीरो बना देगा इसको, फिर वन नेगेटिव वन इसको भी जीरो बना देगा, आर नोट डिफाइन। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि दोनों हमारे पास एनालिटिक फंक्शन नहीं है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू वन। और इसी के साथ आप देखें यहाँ पर एक्स स्केयर भी है इनटू में, तो एक्स स्केयर गए यदि हम जीरो पुट कर दें तो भी ये जीरो हो जाएगा, तो हम ये भी लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर भी ये दोनों फंक्शन हमारे पास नोट डिफाइन है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे every point expect 0 and 1 is ordinary point for both functions px and qx, ठीक है। इस पर ये define नहीं है, बाकी सभी पर ये define हो जाएंगे। तो ये हमारे पास at x equal to 1 and x इक्वल टू जीरो एक्ट एज सिंगुलर पॉइंट, तो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक्ट करते हैं एज ए सिंगुलर पॉइंट। अब हम चेक करते हैं क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की तरह है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट की तरह है। तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे पी एक्स इंटू में एक्स नेगेटिव ए क्यू एक्स इंटू में एक्स नेगेटिव ए इसका होल स्केयर। तो सिंपली पी एक्स ये हमारे पास फंक्शन है कुछ इस तरीके से थ्री अपॉन में एक्स स्केयर एक्स नेगेटिव वन, यहाँ पर इसको चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू वन पर, फिर यहाँ पर चेक कर लेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। यही कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पर, तो क्या हुआ एक्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर
और यहाँ पर भी इन्हीं को लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हमारे पास वन है तो एक्स नेगेटिव वन इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर ए ज़ीरो है तो एक्स नेगेटिव जीरो मतलब कि एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सिंपली यहाँ पर एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज देंगे, यहाँ पर देखिए इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर हम वन पुट करेंगे तो 3/1 एक डिफाइन वैल्यू हमें मिलेगी। फिर यहाँ पर इसके साथ ही कैंसिल आउट, वन पुट करेंगे तो हमारे पास एक अगेन डिफाइन वैल्यू आ जाती है। तो जो एट एक्स इक्वल टू वन है ये यहाँ पर इन दोनों फंक्शन के लिए एक्ट करता है एज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो देखिए इस x से एक इसकी पावर कैंसिल आउट, इससे ये कंप्लीट कैंसिल आउट। अब यहाँ पर जब हमने जीरो पुट किया तो ये जीरो हो जाएगा तो नेगेटिव वन रहेगा, जीरो पुट किया तो ये नेगेटिव वन का स्केयर मतलब कि वन ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये भी यहाँ से भी हमारे पास एक डिफाइन वैल्यू हो जाती है और यहाँ से भी डिफाइन वैल्यू हो जाती है। तो ये भी हमारे पास एज ए एक्ट करता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो दोनों ही हमारे पास यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं एज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, तो उसके लिए हमारे पास कोई इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। सिंपली नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर जो उसका थर्ड पार्ट है कुछ इस तरीके से, एक बार मैं लिख देता हूँ इसको। तो देखिए अब मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर देता हूँ इसके साथ ताकि जनरल फॉर्म में हमारे पास ये आ जाए। तो एक्स नेगेटिव वन अपोन में एक्स इंटू में एक्स पॉजिटिव वन फिर इसका होल स्केयर डी वाई अपोन में डी एक्स प्लस 16 एक्स क्यूब अपोन में एक्स इंटू में एक्स प्लस वन इसका स्केयर वाई इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो, एक्स फंक्शन की ये वैल्यू, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स नेगेटिव वन अपोन में एक्स इंटू में एक्स प्लस वन इसका होल स्केयर क्या हो, एक्स इक्वल टू 16 एक्स क्यूब को हम क्या कर देते हैं यहाँ पर इसके साथ करते हुए स्केयर कर देते हैं। तो एक्स प्लस वन इसका स्केयर यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब हम चेक करते हैं कि वो कौन से पॉइंट होंगे जो कि इनके लिए एज ए ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे, सिंगुलर पॉइंट होंगे या फिर अन्य जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंपली देखो यहाँ पर मैं जीरो पुट करूँगा तो जीरो बन जाएगा। तो एक तो लिख देते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ पर देखो अंदर में यदि नेगेटिव वन कर देता हूँ तो नेगेटिव वन पॉजिटिव वन जीरो हो जाएगा। आपको वो पॉइंट ध्यान में रखना जिसके ये जीरो हो जाए, तो वही हमारे पास क्या हो जाएंगे इसके लिए सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे। तो नेगेटिव वन, फिर कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं बनेगी ऐसी कि जिसमें ये जीरो हो जाए। तो सिंपली एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड नेगेटिव वन एक्ट एज सिंगुलर पॉइंट। इसके साथ ही हम लिख देंगे कि इन दोनों पॉइंट को यदि स्किप कर दिया जाए तो जो भी पॉइंट होंगे वो एज ए एक्ट करेंगे यहाँ पर ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है इसके लिए या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है ये दोनों पॉइंट। तो सिंपली ये फंक्शन कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर, पी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो ले लेते हैं यहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू यहाँ पर नेगेटिव वन के लिए कर देते हैं, पी एक्स इंटू में एक्स नेगेटिव जीरो फिर क्या हुआ एक्स इंटू में एक्स नेगेटिव जीरो इसका होल स्केयर फिर पी एक्स इंटू में एक्स नेगेटिव वन तो ये पॉजिटिव वन हो जाएगा फिर क्या हुआ एक्स इंटू में एक्स पॉजिटिव वन इसका होल स्केयर। तो पी एक्स हमारे पास है एक्स नेगेटिव वन अपॉन में एक्स इंटू में एक्स प्लस वन इसका होल स्केयर क्या हुआ एक्स है 16 एक्स स्केयर अपॉन में एक्स प्लस वन इसका होल स्केयर। और इसी तरीके से यहाँ पर इनको लिख देते हैं इसका होल स्केयर और यहाँ पर भी इसका होल स्केयर फिर इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स यहाँ पर एक्स स्केयर यहाँ पर हो जाएगा एक्स पॉजिटिव वन यहाँ पर हो जाएगा एक्स पॉजिटिव वन इसका होल स्केयर। तो सिंपली इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये एस टी जी रहेगा और यहाँ पर देखिए इसकी एक पावर इसके साथ कैंसिल आउट, यहाँ पर इसकी दोनों ही पावर कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जब हमने जीरो पुट किया तो वन ही रह जाएगा अपन में, तो यहाँ पर से डिफाइन वैल्यू देगा कोई वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर नेगेटिव वन मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हम जीरो पुट करेंगे तो वन का स्केयर मतलब कि डिफाइन वैल्यू हमें देगा ये भी, ठीक है, ये भी डिफाइन वैल्यू देगा। फिर यहाँ पर एक्स है यहाँ पर नेगेटिव वन पुट करेंगे तो ये भी हमें डिफाइन वैल्यू देगा। फिर यहाँ पर एक्स प्लस वन ये तो कंप्लीट कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव वन पुट करेंगे तो यहाँ पर 16 एक डिफाइन वैल्यू मिलेगी हमें। तो इस तरीके से जो ये पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इक्वल टू वन ये एक्ट करते हैं एक्ट एज ए सॉरी इरेगुलर यहाँ पर इरेगुलर की तरह एक्ट करें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर जो लास्ट वन इसका पार्ट रह जाता है फोर्थ पार्ट इस तरीके से इसके लिए इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर
फिर यहाँ पर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके साथ डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट को, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर ये एस टी रहेगा एक्स प्लस वन अपॉन में टू एक्स स्क्र वाई इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स फंक्शन ये हो जाएगा, क्या एक्स ये हो जाएगा, तो पी एक्स इक्वल टू नेगेटिव वन बाई टू एक्स एंड क्या एक्स इक्वल टू एक्स पॉजिटिव वन अपॉन में टू एक्स स्क्र। तो ये तो हमें डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो अपॉन में जीरो हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो जीरो है वो एक्ट करता है, जीरो लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो एक्ट एज ए सिंगुलर पॉइंट फोर दीज फंक्शंस। और इसके साथ हम ये भी लिख देंगे कि एक्स को यहाँ पर यदि छोड़ दिया जाए तो हमारे पास जो भी यहाँ पर मान लो कि लिख देते हैं बोथ फंक्शंस पी एक्स एंड क्यू एक्स आर एनालिटिक, या फिर हम यहाँ पर लिख दें ऑर्डर नहीं, ये पॉइंट की तरह यहाँ पर एक्ट करेंगे। एक्सपेक्ट यदि हम छोड़ दें एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट को यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर अब ये कंडीशन अपने पास आ जाती है कि यहाँ पर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सिंपली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स इंटू में एक्स नेगेटिव जीरो क्या एक्स इंटू में एक्स नेगेटिव जीरो इसका फिर और स्केल। पी एक्स है हमारे पास नेगेटिव वन बाई टू एक्स इंटू में एक्स क्या एक्स है एक्स प्लस वन अपॉन में टू एक्स स्केयर इंटू में हो जाएगा एक्स स्केयर। तो सिंपली जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसके साथ ये कैंसिल आउट, इसके साथ ये कैंसिल आउट, तो नेगेटिव वन बाई टू यहाँ से क्या हो जाएगा जब हम पुट करेंगे जीरो तो वन बाई टू, दोनों ही हमारे पास यहाँ पर एज ए डिफाइन वैल्यू हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो बोथ फंक्शंस पी एक्स इंटू में एक्स एंड क्या एक्स इंटू में एक्स स्केयर आर एक्ट, ये एज ए एक्ट करते हैं एनालिटिक फंक्शन, और जो ये पॉइंट है ये हमारे पास एज ए एक्ट करता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करूँगा आपको वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज 1.4 की बेसिक कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल्स।